रोटी एक ऐसी डिश है जो सबके लिए हार्ड भी है और इजी भी है। जिसको बनानी आती है उसके लिए बहुत इजी है, वरना बहुत लोगों से रोटी फूलती भी नहीं है और गोल होती नहीं है। हमने लिया है 2 कप आटा और इसमें मैंने डाला 1 चम्मच देसी घी और थोड़ा सा नमक, जो कि आपकी रोटी को फुलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसको अच्छे से पूरे आटे में मिक्स कर लेंगे हम। तो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेहा कुकिंग एंड ब्लॉग में। तो आज की हमारी रेसिपी है, सबसे कॉमन चीज़ जो है वो है रोटी, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसके हम बनाएंगे किस तरह से इसको तैयार किया जाता है, इसका जो तरीका है। तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। अब देखिए, मैं कम से कम इसमें से मैंने 2 कप आटा लिया है, तो इसमें से मैं 1 कप और उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें पानी डालूँगी। तो इसको धीरे धीरे हमें डालते जाना है और मिलाते हुए जाना है। आप इसको जितना ज़्यादा गूँथेंगे आपकी रोटी उतनी ही अच्छी फूलेगी और सॉफ्ट बनेगी, हार्ड नहीं बनेगी आपकी रोटी। तो आप देख रहे हैं मैं इसको मिलाते जा रही हूँ, और जो मैंने इसमें घी डाला था उसके कारण ये थोड़ा सा चिपकेगा, लेकिन आप इसको, हमारे यहाँ इसको मोना बोलते हैं, तो उसको अच्छे से आप मो दीजिए और फिर इसको अच्छे से मिचकारना, जैसे हल्के से पानी लेकर छिड़कते हैं और फिर उसको अच्छे से मिचकारेंगे। तो अभी देखिए आटा हमारा गुथ गया है, बस ये गुथा ही है, प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हुआ है। अब मैं इसमें हल्का हल्का पानी लेके, मैंने जो बताया था मिचकारना बोलते हैं हमारे साइड में, तो इसको हम मिचकार रहे हैं उसी तरह से। लगभग ये 2 मिनट का प्रोसेस है, आप इसको करते रहेंगे तो इस प्रोसेस से आप जितना आप करते रहेंगे इसी तरह से आटे को गूँथते रहेंगे कंटिन्यू, तो आपकी रोटी उतनी ही अच्छी फूलेगी और सॉफ्ट भी होगी अच्छे से। और इसको हम गूँथने के बाद मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ देखिए, मैंने आटे को 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और मैंने इसकी लोइयाँ बना ली है छोटी छोटी। अब उसको पलथन हमारे साइड बोलते हैं सूखे आटे को, तो आप पलथन बोले या सूखा आटा बोले। और इसको मैंने बेलना शुरू किया, आप हल्के हाथों से बेलते जाएँ उसको और बीच बीच में सूखा आटा लगाते रहें ताकि आटा आपके नीचे चिपके नहीं। और मैंने डाल दिया, आप देख तवे पे इसको डाल दिया, आप देख सकते हैं आटे इसमें कितना पतला हमारा रोटी बना है। और बहुत अच्छे से इसको एक बार हमने पलट दिया और बार बार इसको पीछे से पलटते रहेंगे ताकि हम देखेंगे कि अच्छे से सिका है या नहीं सिका है। तो हमारे रोटी दोनों साइड से अच्छे से सिक गई है, अब हम इसको पलट के फुला लेंगे। अभी देखिए इसको फुलाना कैसे है, बहुत लोग गैस पे रख के फुलाते हैं लेकिन मैं कपड़े से रख के फुलाऊंगी। ये देखिए रोटी हमारी कितनी अच्छे से खिल गई है। देखिए दोनों साइड से रोटी हमारी अच्छी तरीके से सिकी हुई है। तो आप भी इसी इस प्रोसेस को करें और ऐसे ऐसे खिली खिली रोटियां बनाएं। अब इस रोटी में हम गर्मा गर्म रोटी में घी लगा देंगे ताकि रोटी का टेस्ट और भी बढ़ जाए। तो ऐसे ही इजी रेसिपी देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और ये रोटी आप गर्म गर्म सर्व करें, कलर कितना अच्छा है रोटी का।